दाता गंजे बख्श ऐसे तसव्वुफ के हामी नहीं जहां मजहब की तफरीक को मिटाकर बात की जाए। दाता गंजे बख्श अजमेरी उस तसव्वुफ की हामी है जहां राय राजू के सर पे जूते लगाकर दीन का झंडा बुलंद किया जाए। वो जनाब उन्होंने अपनी जूती को हुक्म दिया, वो अली अजमेरी साहब के बारे में भी वो जादूगर के सर पे पड़ी नीचे आई। ये धोखे देना बंद करें, ये दीन को मेरे भाई बदनाम कर रहे हैं ये लोग। दीन में इस तरह चीजें नहीं है। जो करामात और जो मुर्जात का मामला है वो बिल्कुल अलग है। मसला नंबर 131 ABCD मेरा 4 लेक्चर्स के अंदर 8-9 घंटे की गुफ्तगू रिकॉर्डेड है, जिसे शो को तो वो देख सकते हैं। इनसे पूछे कि आजकल बुजुर्ग जो है रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने करामात से, ये कहते हैं दुनिया खाली नहीं होती बुजुर्गों से, और आप इतने तरह बड़े बड़े झूठ हैं। आप ये लाहौर चले जाए वो कहते हैं जी 1965 की जंग में दाता साहब कब्र से निकल के रावी के पुल पे आके इंडिया के बम पकड़ते रहे। तो आज से 5-6 साल पहले जो दाता दरबार पे आके बम ठोक के 65 बंदे मार गया था वो दहशतगर, वो तो ही पकड़ा गया। जो बंदा कब्र से इतनी दूर बाहर निकल के हवाई जहाज से गिरे हुए बम पकड़ लेता है वो अपने मजार में नहीं पकड़ सकता। ये सब फ्रॉड बचा है। इधर जेल में भी वो कहते हैं जी सलमान फारस क्यों नहीं बाहर निकल दे, इसलिए कि मेरे भाई अब मीडिया का दौर है। पहले जितना आपने झूठ बोलना था बोल लिया, इंशाल्लाह मैंने आपको दावा किया है कि आप क्यामत तक कोई इस किस्म के ब्लंडर लोगों के सामने नहीं आएंगे। लोग कहेंगे जी लाओ वीडियो प्रूफ सामने लेके आओ, और फेक वीडियो लेके आते हैं वो पकड़ी जाती है। तो सबके सब झूठ के ऊपर मबनी इनके मामला चल रहे थे। और हम करामात को मानते हैं, करामत ज्यादा ये कि कोई बंदा दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल कर ले, वो भी जिंदा बंदा को दुआ करे। अब ये बुजुर्गों का कब्रों से निकल के और इस किस्म की क्लेम करना है इनको कि अब क्यों नहीं हो रहे। और दूसरी बात आपकी ठीक है कि खुलफाए राशिदीन से इतनी करामात तो साबित नहीं है उन बेचारों की। तो आप देखे हजरत अमीर हमजा सैयद शुहदा है, उनका मुसला हुआ है लाश का, इनके बुजुर्ग तो एक निगाह मार के सब कुछ कर देते हैं कब्र के अंदर बैठे हुए, तो अमीर हमजा तो कुछ नहीं कर सके। नबी अलैहिस्सलाम के 4 दांत शहीद हुए हैं गज़वे-उहद में सही मुस्लिम के अंदर। इन लोगों के आप देखें ये जिस तरह इन्होंने समझा ना कि दुनिया का निजाम इन लोगों के हाथ में, ऐसे दुआ करेंगे वो करामत किसी की भी हो सकती है। इवन दुआ अल्लाह ताला गैर मुस्लिम की भी कबूल कर सकते हैं। अल्लाह तो सब क्या ना सही, उनको कौन रिस्क दे रहा है, अल्लाह दे रहा है। तो वो मैं अक्सर कहता हूँ कि वो भी तो मतलब मंदिर जाते हैं, वो भी कहते हैं हमें वहां से मिलता है, वो अल्लाह ही दे रहा है उनको। इस तरह आजमा रहा है हमें, इस तरह आजमा रहा है। यहाँ लोग बुजुर्गों के खाते में डाल देते हैं, वहां वो मंदिरों के खाते में डाल देते हैं। तो जुर्म तो एक ही है, मुख्तलिफ शक्ल में नजर आता है। तो ये इनके सिर्फ दावे हैं और इसके अंदर कोई दलील नहीं।